सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव और आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों नॉर्मल एंजियोग्राफी क्या है, नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या होता है, उसकी प्राइस क्या है, रिस्क क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये वीडियो को आप आगे देखें, उससे पहले एक बार वो वीडियो को ज़रूर से देखें। यहाँ पे आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है सीटी एंजियोग्राफी के बारे में। लेकिन जो हमें नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही रिजल्ट्स मिलेंगे और जो ऑप्शंस नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद खुलते थे वही ये प्रोसीजर के बाद भी खुल सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रोसेस मान लीजिए आधे घंटे के बाद होने वाली है तो आपके साथ क्या हो सकता है आधे घंटे पहले। उस केस में शायद से आप को अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मेटल की या चीज़ वो पहनी है तो वो निकाल दी जाएगी, प्लस आपको हॉस्पिटल कंफर्टेबल क्लोथ्स में ला दिया जाएगा एंड आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा सीटी एंजियोग्राफी के लिए। क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो हार्डली 5 मिनट का समय लेती है। अगर उसे कंपेयर किया जाए नॉर्मल एंजियोग्राफी से तो वो तकरीबन आधे घंटे से लेके 1 घंटे का समय ले लेती है, क्योंकि वहाँ पे कैथेटर डालना पड़ता है, फिर कैथेटर को गाइड करने के लिए एक्सपोजर चलता रहता है। तो प्रोसेस बहुत ही थोड़ी लंबी हो जाती है कंपेयर टू सीटी एंजियोग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद पेशेंट को जो है वो सीटी रूम के अंदर ले लिया जाता है। सीटी अगर आपको नहीं पता उसका फुल फॉर्म क्या है, तो सीटी का फुल फॉर्म जो है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के रूम में पेशेंट को ले लिया जाता है। अब वहाँ पे पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 होनी चाहिए, 60 के आसपास अगर है तो वो ठीक है, वरना जो है डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिंस देते हैं, आई गेस उसे बीटा मार्कर या बीटा मेडिसिंस कहा जाता है, जिससे जो पेशेंट की हार्ट रेट होती है वो स्लोअर लाइक लोअर डाउन हो जाती है। अगर वो 70-80 तक जा रही है तो 60-65 तक वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट रहती है कि हार्ट रेट जो है वो 60-65 के आसपास रहनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको वो मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन अगर आपकी हार्ट रेट मान लीजिए नॉर्मल रेंज में ही है, 60-65 के आसपास ही है, तो यहाँ पे फिर ये टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल नंब की मेडिसिन दी जाती है एंड यहाँ जो हाथ है उसकी वेन या यहाँ से जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्यों इंजेक्ट किया जाता है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सरे कैसे काम करता है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा एक्सरे क्या करता है। जब एक्सरे हमारी बॉडी से पास होता है तो ऐसे जितने भी ऑर्गन होते हैं जो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो पार्ट जो है एक्सरे फिल्म में जो है वो डार्क रह जाता है और बाकी का पार्ट एक्सपोज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से एक्सरे जनरेट होता है। लेकिन जब बात आती है सॉफ्ट टिश्यूज की, ब्लड की, वेसल्स की, तो वो सारी चीज़ से एक्सरे बहुत ही आसानी से पास हो जाता है, तो वो फिल्म का जितना जो पार्ट होता है वो बर्न हो जाता है। तो वो चीज़ है कि हमें सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड, ऐसी सारी चीज़ें हमें एक्सरे में दिखती नहीं है, लेकिन हमें एंजियोग्राफी में देखना तो वही है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। तो अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें सिर्फ बॉन्स या हार्ट टिश्यूज या ऐसी ही चीज़ें दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसीलिए इंजेक्ट किया जाता है। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या काम होता है कि वो जो ब्लड में मिक्स होता है उसके बाद जब एक्सपोजर होता है तो वो पोर्शन भी हाईलाइट होने लगता है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप कह सकते हो कि 5 से 10 सेकंड में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, पूरी बॉडी में जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो स्प्रेड हो जाता है। अब उसके बाद तुरंत ही पेशेंट को एक्सपोजर दिया जाता है एंड जो पूरी सिचुएशन है उसका 3D मैप बनाया जाता है। यहाँ पर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए कि एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज है कहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है। मान लीजिए कि इस तरह का हमारे हार्ट के अंदर कोई वेन का स्ट्रक्चर है। अब ये एक दूसरा एंड है और ये एक एंड है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड पास होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ कहीं पे ब्लॉकेज है तो क्या होगा कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो हाईलाइट होगा, एक्सरे में वो दिखेगा, लेकिन यहाँ से आगे का पार्ट कहीं से भी एक्सरे में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एजेंट वाला जो ब्लड है वो नहीं पहुँच रहा है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज
है। उसके बाद वो एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिटी स्कैन है। सिटी स्कैन में हमें 3D इमेज मिलती है, जिसमें अगर आप इसे इस तरह से देखोगे तो आपको ये एक 2D फ्रेम दिखेगा, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से रोटेट करूं तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, साइज सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली ब्रोकेज है। तो ये जो मेथड है उसे मैं नॉन इन्वेंसिव तो नहीं कह सकता, क्योंकि नॉन इन्वेंसिव की डेफिनेशन ये होती है कि बॉडी में कोई भी कट ना लगे। जैसे कि USG है वो नॉन इन्वेंसिव है, MRI जो है वो नॉन इन्वेंसिव है, लेकिन यहाँ पे बॉडी में कट तो लगता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के लिए, तो मैं इसे नॉन इन्वेंसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही सेफ, इफेक्टिव एंड बहुत ही कम समय लेने वाली प्रोसीजर है। अगर यही प्रोसीजर को आप कंपेयर करोगे नॉर्मल एंजियोग्राफी से, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बार बार गाइड वायर को एडजस्ट करने के लिए, कैथेटर के लोकेशन जानने के लिए, ब्लॉकेज के लिए, तो बार 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 एक्सपोजर दिया जाता है, तो काफ़ी सारा एक्सपोजर पेशेंट को मिलता है। लेकिन जब बात आती है सिटी एंजियोग्राफी की, तो काफ़ी कम एक्सपोजर में, काफ़ी कम समय में ये प्रोसेस खत्म हो जाती है, जो रिजल्ट मिलता है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन फिर भी अभी भी डॉक्टर ये प्रोसेस को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेंटली एक मेरा ही इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी ही मदर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सिम्टम्स जो थे वो हार्ट डिजीज रिलेटेड थे, लेकिन जो ब्लड के जितने भी रिपोर्ट थे ट्रपनिंग के, और वो सारे नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन फिर भी पेन बहुत ज़्यादा रह रहा था। उस केस में डॉक्टर ने कहा कि ब्लड रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंजियोग्राफी से अच्छा है हम सिटी एंजियोग्राफी कर ले। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी भी डॉक्टर मोस्टली जो है वो नॉर्मल एंजियोग्राफी को ही प्रिफर करते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस मेडिकली हो सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन एंजियोग्राफी से मिल सकती है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन रहे कि सिटी एंजियोग्राफी भी एक प्रोसेस है जिससे भी ये सारी चीज़ पता चल सकती है, लेकिन जो फाइनल कॉल होता है वो हमेशा डॉक्टर के हाथ में होता है। तो यहाँ पे हमने आज जितनी भी बात की वो की है सिटी एंजियोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात की प्रोसेस से पहले क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि रिस्क क्या कोई होता है कि नहीं। अब दोस्तों जैसे कि रिस्क की बात होती है, तो ये एक नॉर्मल सिटी प्रोसेस ही है। अगर आपने कभी भी कॉन्ट्रास्ट सिटी करवाया है तो इससे सिमिलर ही ये मेथड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी फिर भी दो चीज़ें मैं रिस्क फैक्टर रहेगी। एक तो अगर आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको हो सकता है, प्लस मैंने जैसे कि बताया था आपके, अगर आपके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। तो अगर इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो रिस्क मैं कहूँगा वहाँ पे रहेगा, और एल्स वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। प्लस एक्सपोजर भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है पेशेंट को कंपेयर टू एंजियोग्राफी। और अब हम बात करेंगे प्राइस की। तो अगर हम नॉर्मल एंजियोग्राफी की प्राइस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास होती है। आज महायोजना के अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल से फ्री में भी करती है, लेकिन जब बात आती है सिटी एंजियोग्राफी की तो 2-2,500 रुपये तक ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो ये प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। प्लस टाइम अगर कंपेयर किया जाए तो नॉर्मल एंजियोग्राफी में 30-35 मिनट्स या अप टू 1 आवर तक का समय लग जाता है, यहाँ पे सिर्फ 5-10 मिनट्स का समय लगता है। नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद शायद से पेशेंट को हॉस्पिटल में कुछ घंटों के लिए रखना पड़ सकता है, लेकिन सिटी एंजियोग्राफी के बाद इंस्टेंट डिस्चार्ज जो है वो पेशेंट को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, और रिस्क की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो जो रिजल्ट रिजल्ट के बाद की प्रोसेस है वो सभी केस में सिमिलर रहेगी। जो अगर नॉर्मल एंजियोग्राफी है उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, उसके बाद जितने रास्ते होते हैं वही यहाँ पे मिलेंगे। अगर बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर एक्सरसाइज डाइट पे फोकस करवाएंगे। अगर एंजियोप्लास्टी से क्योर हो सकता है स्टेंट रखने से, तो वो रास्ता खुलेगा। और थर्ड रास्ता होगा ओपन हार्ट सर्जरी का। तो ये जितने भी ऑप्शन है वो डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। तो आज हमने जितनी भी बात की वो है सिटी एंजियोग्राफी के बारे में। आशा रखता हूँ आपको सिटी एंजियोग्राफी के बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको समझ आई होगी। और आपको अगर ये सिचुएशन कभी फ्यूचर में आए तो आप भी एक बार डॉक्टर से पूछ सकते हो कि क्या सिटी एंजियोग्राफी एक पॉसिबल ऑप्शन है। तो ये पूरा प्रोसेस है सिटी एंजियोग्राफी का, जो बहुत ही सेफ है, कन्वीनियंट है। आपको क्या लगता है ये प्रोसेस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी है, प्लस ये बहुत ही एक कन्वीनियंट मेथड है पेशेंट के लिए। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर अपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे, और उसके बाद जो आपको बेल आइकन देगा उसे प्रेस कर दो, क्योंकि वीक में सिर्फ 3 वीडियोस आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आज ट्यूसडे है और आज आपने
सीखा कि सिटी एंजियोग्राफी क्या है। थर्सडे ऐसे ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।